आवाज इस तरफ से आई किस तरफ? हाँ, इस तरफ से ही, आगे से ही। पहले तो ऐसे टेंट के पीछे से आई, फिर आगे गई है बस। ओ वहाँ पे कुछ है। कहाँ पे? वहाँ पे सामने देखो, सामने देखो, ये रोशनी आंखों की दिख रही है। उधर कुछ है, पीछे जाओ। एक मिनट चुप रहो यार भाई, वो एक नहीं दो दिख रहे हैं मुझे, दो दिख रहे हैं। अब क्या करेंगे? और कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, आंखें चमक रही हैं। हाँ हाँ, तो जी हमने पहले ऐसे तो खा लिया, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो इस तरह से हमने सारे एक साथ डाल दिए और जल्दी जल्दी बन जाए ना, बस इसका वेट कर रहे हैं। ये देखो भाई, हमारे बॉनफायर के एंजॉय हो रहा है यहाँ पे। ठंडे मौसम में बॉनफायर मिल जाए और क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कितना मजा आ रहा है भाई। आंटी जी कैसा मजा आ रहा है फिर आज? बहुत ही मजा आ रहा है। और अंकल जी, अंकल जी और आंटी जी की फर्स्ट कैंपिंग है। पलक जी भी आई है, अपने साहिल भाई की सिस्टर है, वो उनकी फर्स्ट कैंपिंग। आपके भी फेस्ट है ना? नहीं भैया हंसते नहीं हो, मगर एक दो हंसता हुआ है। बालू होता है भैया इधर। अच्छा, बालू चलता रहता है रात के समय। अच्छा अच्छा, हाँ जी भैया, मतलब रिस्क है यहाँ पर ना? जी भैया रिस्क है भैया, बिल्कुल 100%। पलक जी ये झूल रहे हो कि खुद झूल रहे हो भाई? दोनों चीजें साथ। आवाज आ रही है ना? कितनी प्यारी दाल हो देखो भाई। और ये हमारी किचन, इसका तो आपको बता दिया, हम बना रहे हैं यहाँ पर दाल। हेलो जी, वेलकम बैक अगेन टू अवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस रतन जे एंड के। तो आपने जैसे मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा, जिसमें हम जम्मू से निकले थे और नत्थाटा पहुंच गए थे, अपना कैंपिंग सेटअप लगा रहे थे। तो हमारा कैंपिंग सेटअप लग चुका है नत्थाटा की हसीन वादियों में। देख सकते हैं पीछे, मतलब इस तरह से लग रहा है कि सितारे नीचे आ गए, पीछे का व्यू इतना ज़बरदस्त है। और हमारे आसपास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इस साइड देख सकते हैं आप, कुछ नहीं है, सिर्फ स्टार्स दिख रहे हैं। अब आ जाइए इस साइड पर, देखिए यहाँ पर क्या रौनक लगी हुई है। यहाँ पे दिखाओ, देखो लीजिए असली रौनक यहाँ लगी है। बॉनफायर चल रहा है यहाँ पर, पीछे हमारे टेंट्स लग चुके हैं, खाना बन रहा है साथ साथ और इतने मजे कर रहे हैं हम लोग जी। अब हमारी यहाँ दूसरी किचन में इनका सेटअप कुछ इस तरह से, ये इसमें रख के बनाते हैं। तो यहाँ पर बनाने वाले हैं मिक्स वेज सब्जी। तो यहाँ पर क्या बनने वाली है? मिक्स वेज। तो जी यहाँ पर मिक्स वेज बनाने वाले हैं। वहाँ पे बॉन फायर का इंतजाम हो रहा है, बॉन फायर बस लग रहा है। यहाँ पे मेरी किचन में बस दाल बन गई है, चावल बना लेती हूँ, साथ साथ दूध बॉईल हो गया। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कहाँ पर लाइट लगाया जाए, तो इनका डिस्कशन चल रहा है। हाँ जी हाँ जी, तो लड्डू अपनी गाड़ियाँ लेके बस खुश अपनी गाड़ियों के साथ खेल रहे। मन्नत को यहाँ पे दूध पी के सोना है अभी, बट मैंने कहा रोटी खा लो पहले। मिक्स वेज का तड़का लग रहा है भाई। यहाँ पे पूरी वेजेस कट गई है देखो भाई। ये पहले हमने यहाँ पे पोटैटो डाल दिए भाई, थोड़े इसको फ्राई करेंगे उसके बाद। भाई साहिल भाई ने अपना अपना 2% टेंट लगा दिया यहाँ पे, जबकि साहिल भाई का अपना घर है। साहिल भाई का यहाँ पे अपना रूफ टेंट भी लगा हुआ है ओपन, अपना ऊपर 2% का, मगर मम्मी पापा उनके साथ में आज फैमिली कैंपिंग है, तो अपने लिए नीचे सेटअप हो गया उनका, अपना सेटअप नीचे बना लिया भाई। यहाँ फर्स्ट फैमिली कैंपिंग है मेरी, तो आज मेरी फैमिली साथ आई थी, तो उनको मैंने अपने आशियाने में सुला दिया कि आज बात होना। देखो भाई आशियाना कितना जबरदस्त बन गया है, ये देखो भाई तो ये देखो हमारी किचन में खाना बन रहा है। ये देखो भाई यहाँ पे दाल का तड़का लग रहा है। मन्नत और लड्डू को सला रही है भाई, मन्नत और लड्डू बहुत तंग कर रहे थे, अपना टेंट लग चुका है। वो देखो क्या कूजी कूजी हो रहे हैं भाई, क्या बात है। वो देखो मन्नत क्या मजे ले रही है जिंदगी के पलक के साथ। वो देखो लड्डू, देखो मन्नत सो गई है, मन्नत सो गई, फैंट हो गई, क्या बात है, बहुत जल्दी। लड्डू देखो, लड्डू लड्डू क्या, और लड्डू अपनी गाड़ियों के साथ लगा हुआ है, गाड़ियां चला रहा है, क्या बात है यार, क्या चक्कर है। आपने तो बाहर वहाँ पे दूसरी पलक जी आए हैं और उनकी मम्मा आए साथ में, इन्होंने खाना उनके ऊपर बनाना छोड़ दिया, ये क्या बात है। साहिल भी एक ही फैमिली के साथ आई हूँ ना, आज मेरे मायके वाले आ गए यहाँ पर, वो काम कर रहे हैं, मैं सो रही हूँ, मैं आराम कर रही हूँ, मायके वाले आए हुए हैं, तो बस मैं आराम फरमा रही हूँ बच्चों के साथ। आज एक्चुअली सब लगे काम करने में, तो बस मैं भी जा रही हूँ आगे का खाना प्रिपरेशन करने के लिए। क्या इतना मजा आ रहा है ना, मतलब ऐसी जगह में अपना बिस्तरा लगाया है, मजेदार जबरदस्त। देखो मैं तो इस बार तो रजाई भी लेके आया था। ये देखो क्या मजे ले रही है पलक, क्या बात है, गर्म हो गया ना तू? गर्म यहाँ पे हमारा, देखो भाई एक साइड यहाँ पे साहिल भाई के पतीले में वेज सब्जी बन रही है,
वहाँ पे देखो हमारे किचन में, वहाँ पे दाल का तड़का लग रहा है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और बाहर हमारा सेटअप इतना ज़बरदस्त लग चुका है ना यार, ये देखो बोन फायर इतना तगड़ा चल रहा है ना, क्या मज़ा आया। अंकल जी कितना ज़बरदस्त मज़ा ले रहे हैं, कैसा मज़ा आ रहा है ये बताइए। आग सेक रहे हैं मज़े से बिल्कुल मज़ा आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल ही मज़ा। इस चीज़ का भी अलग मज़ा है ना। और क्या, पहली बार क्या बात है। हाँ पापा पहली बार आए आपके साल भाई कैंपिंग में? हम पहली बार पहुंचे हैं आज। आप पहली बार आए हैं, क्या बात। लगा हुआ है हमारा, देखो भाई लाइटिंग ही लाइटिंग है, रोशनी जंगल में मंगल कर दिया भाई आज। ये देखो, ये देखो वहाँ पे जैसे ये आपको ये तारे नहीं है भाई, ये घर की लाइटें हैं भाई। ये देख लो, ये हर घर की लाइटें हैं। ये यहाँ पे कुछ वो तारे नहीं चमक रहे, तारे आपके ये आसमान में हैं, वो नज़र नहीं आएंगे भाई। ये हमारे पहाड़ों के तारे देख लो। ये देखो भाई, ये देखो हमारा सेटअप भाई, क्या जबरदस्त लगा हुआ है। वो लेपर्ड शेपर्ड से नहीं डरते, जब आएगा तब देखेंगे। अभी दिलेर बन के दिखा देते हैं, है भाई। मैंने कहा अभी दिलेर बन के दिखा दे, जब आएगा तो पता चलेगा डरते कि नहीं। तो वैसे जो हमारी किचन में जो काम करता है उनको बोलते हैं बावर्ची। आज दो तो बावर्ची, और दोनों का नाम भी सेम है। दोनों का नाम भी सेम है, ये बात बढ़िया है। आप एक चीज और, हाँ जी पलक जी, मेजरमेंट का पता है? राइस बनाने जा रहे हो, इतनी बड़ी फैमिली के लिए फर्स्ट टाइम है। अपने हिसाब से बना लेती हूँ, कोई बात नहीं, कम तो नहीं होने दूंगी, ज्यादा हो गए तो चलेगा। चलेगा, क्या बात है। तो बस यहाँ पर देख लो जी, आज मेरी पूरी किचन ना पलक ने संभाली है। हाँ, यहाँ दो दो पलक है भाई, कंफ्यूज मत होना भाई। ये पलक नंबर टू है, तो आज पूरी किचन इन्होंने ही संभाली है। दाल भी यही बना रहे हैं, दाल का तड़का इन्होंने कर दिया है। ये देखो, ये देखो जी, क्या जबरदस्त तड़का बना है दाल का। मतलब हमारी सो चुकी है लड्डू, आई डोंट नो, बस लगा हुआ है, खेल रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। तो बस खाना बन जाए, फिर बॉनफायर के पास बैठते हैं, आराम से खाते हैं, मजे करते हैं। है, 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 मजा आ गया। नहीं लग रहा ड्रेस का, कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब वो बच्चे पहलवान की बन रहे हो, वो इतना जोर लगा रहा है खाने में उसका, ज्यादा लगा दिए। तो चलिए साथ साथ में आपको सेटअप दिखा देते किस तरह से किया है भैया की। ये कार है साहिल भैया की जो हमारे साथ आए हैं, ऊपर उनका इस तरह से रूफ टेंट लगा हुआ है, देख सकते हैं रूफ टेंट ऊपर से उनका। और साथ ही साथ यहाँ पर आ जाइए, भैया की किचन है, ओपन किचन, इस तरह से वो मतलब यहाँ पर रखते हैं। तो इसमें अभी अभी जस्ट हमारी मिक्स वेजिटेबल्स बनी है, मैंने आपको दिखाई है वीडियो में, वो भी साथ ही साथ इस टाइम को तो जानते ही होंगे आप। चलो जी दिखा दो साहिल भैया, दिखा दीजिए सब्जी। साहिल भैया दिखाओ भाई, ये हमारी मिक्स वेजिटेबल जो मैंने बनाई है, मेरे तो कैमरा करो। ये तो साफ साफ झूठ है। ये जी जी पलक जी ने बनाई है, साहिल भाई की सिस्टर है जो। और ये हमारा टेंट, इसको तो आप जानते ही होंगे, तो जी बस जी। मन्नत सो चुकी है आराम से अंदर वहाँ। इस बार स्पेशल है टेंट में भाई, वो भी दिखा दो ना स्पेशल क्या है। इस बार स्पेशल ब्लैंकेट लाया, हम रजाई लेकर आए क्योंकि हमने कहा आज तुम रजाई लेके आ गए, देखो भाई तो इतनी जबरदस्त रजाई में हम आराम से मजे से सोने वाले है। और ये हमारी किचन, इसका तो आपको बता दिया, हम बना रहे हैं यहाँ पर दाल, दाल बन रही है, साथ ही साथ यहाँ पर चावल बन रहे हैं और मिक्स वेज बन गया है। तो बस जैसे ही डिनर होता है रेडी करते हैं यहाँ पर एंजॉय। चलिए बॉनफायर के मजे लिए जाए, आइए बॉनफायर शॉट्स दिखाते हैं हम आपको थोड़े। ये देखो भाई हमारे बॉनफायर के एंजॉय हो रहा है यहाँ पे, सारे मजे ले रहे हैं। मौसम में बॉनफायर मिल जाए तो और क्या चाहिए बताइए आप। जी जी बोलिए, ठंडे मौसम में बॉनफायर मिल जाए और क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कितना मजा आ रहा है भाई। आंटी जी कैसा मजा आ रहा है फिर आज? बहुत ही मजा आ रहा है आज। और अंकल जी, अंकल जी और आंटी जी की फर्स्ट कैंपिंग है, पलक जी भी आई हैं, अपने साहिल भाई की सिस्टर है, वो उनकी फर्स्ट कैंपिंग, आपकी भी फर्स्ट है ना। हाँ। तो बस बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर, बस आगे मैं क्या बोलूं। आगे क्या बोल, साहिल भाई आप बोलो भाई। हमारे जो चेहरे हैं वो खुशी खुशी वाले लग रहे हैं, लेकिन मैं सच बताऊं मजा तो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5-7-8 लोग जब इकट्ठे हैं तो मजा तो आता ही है। बट आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर डर बहुत ज्यादा है। अगर आपने वो शायद क्लिप आपने रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने किया था, आप मेरे से ले लेना, वो जरूर अपने व्यूअरशिप को दिखा देना। जी जी। हम यहाँ पर क्या कर रहे थे कि यहाँ पर कैंपिंग अभी हमने सब सेटअप स्टार्ट की थी, तो यहाँ के कुछ जो
आगे पीछे के लोग आसपास रहते हैं, उन्होंने हमें ना अलर्ट कर दिया था कि भाई अगर रात को आपको यहाँ पर रुकना है, अगर आपको रात को यहाँ पर रुकना है तो यार थोड़ा ध्यान से रुकना है। यहाँ पर ना अभी हमारे बच्चे हमारे साथ ही हैं, तो यार पहले हम बड़े बड़े लोग कर लेते थे कैंपिंग तो टेंशन नहीं होती थी, लेकिन आज बच्चे हैं तो यहाँ के गाँव के लोगों ने हमें ना मैसेज दे दिया कि भाई यहाँ पर लैपर्ड आते हैं आसपास तो बच्चों को पता नहीं लगने देंगे, उठा के ले जाएंगे। तो ऐसे इंसिडेंट हमारे गाँव में होते रहते हैं आगे पीछे, हमारे जम्मू कश्मीर में हम सुनते रहते हैं न्यूज़ में ना, तो ये यहाँ पर ये चीज़ होने के फुल चांस है, तो हमें थोड़ा अलर्ट भी रहना पड़ेगा। अपना एंजॉय तो करना ही है कैंपिंग को, बट ध्यान भी रखना है ताकि कैंपिंग करते हुए कोई हादसा ना हो जाए। तो ये मतलब मन्नत हो गई है, तो मतलब बहुत ज्यादा रिस्की होती है कैंपिंग करना। दिखने में मजा तो आता है, नो डाउट मजा तो आता ही है, बट साथ में अगर आप जंगल में कैंपिंग कर रहे हो तो ये सब चीजें भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो यार रात को पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिलहाल अभी तो हम अच्छे हैं, ठीक हैं, आराम से बैठे हैं। आप बॉनफायर किया हुआ आग लगाई है सेफ्टी के लिए ताकि जानवर कोई आसपास ना आए, सेफ्टी के लिए ये भी है हमारे पास, साथ ही साथ बॉनफायर भी है हमारे पास, अगर ऐसी कोई भगवान ना करे प्रॉब्लम हो तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाई लेंगे अपने पास, मतलब सेफ्टी वेपन्स होने चाहिए। ये फिलहाल एक है, ऐसे हमारे पास दो चार और पड़े हैं गाड़ियों में रखे हैं हमने, तो ऐसा कुछ अगर कुछ आती है रात को आवाजें हैं तो हम अलर्ट हैं, टेंशन वाली बात नहीं। वैसे यहाँ पर तो अभी तो लड्डू की आवाज आ रही है, लड्डू की आवाज बहुत है, लड्डू बहुत तंग कर चुके हैं यार। लड्डू बताएगा मैं बच्चा आया हूँ लेपर्ड को बुलाने के लिए, गाड़ी से खेल रहे देखो ये लो जी। तो बस ये रात अच्छे से निकल जाए, सुहाने मौसम में जिस तरह से मजे कर रहे हैं बस इस तरह मजे करें, भगवान ना करे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों क्या पता है, पता क्या होता है हमारे वीडियोस देख के ना काफी लोग ना आ जाते हैं कि हम भी चलते हैं कैंपिंग करने, तो जो न्यू होते हैं उनको पता नहीं होता वो कैंपिंग करने चले जाते हैं, बट ये चीजें भी ध्यान रखनी होती है। बिल्कुल, इन चक्रों में कुछ भी नुकसान ना हो आपका, जब भी आना है पूरा ध्यान से आए भाई, यही बात है। सेफ्टी अपनी पूरी साथ में ही रखिएगा, मतलब ऐसी कहीं, मतलब ऐसे जंगल है पूरा आसपास देख सकते हैं, पीछे बैक साइड में पूरा अंधेरा और जंगल है, जंगल में से कुछ भी आ सकता है, कोई से भी जानवर आ सकता है यहाँ। मुझे खुद डर लग रहा है इधर यार, ऐसे पकड़ी डर नहीं रही हूँ, साथ में बैठी हूँ यार। भैया की दुकान थी थोड़ी रोड के पास दूर में ही, इनसे हमने परमिशन लेके यहाँ पर कैंपिंग कर रहे थे, तो अभी ये आए थे हमारे पास हमें बताने के लिए कि भाई यहाँ पर ध्यान से कैंपिंग करना क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर होते हैं। तो भैया ऐसे कोई हादसे हुए हैं पहले यहाँ पर? नहीं भैया हादसे नहीं हुए, मगर एक दो हादसा हुआ है, भालू होता है भैया इधर। अच्छा, भालू चलता रहता है रात के समय। अच्छा अच्छा, हाँ जी भैया, मतलब रिस्क है यहाँ पर ना? जी भैया रिस्क है भैया, बिल्कुल 100% है। ये है कि देखो यार जब भी कहीं कैंपिंग करते हो आगे पीछे गाँव के लोगों से पूछ लेना चाहिए ना, कहीं भी कैंपिंग कर रहे हो तो जो भी गांव बता देंगे भाई इस एरिया के बारे में कैसा है, कैसे रहना आपका। चलो भैया थैंक यू सो मच यार, आपने बता दिया, तो अभी हम रात को अच्छे से सेफ कैंपिंग करेंगे। थैंक यू। अभी यहाँ पे खत्म नहीं, आज तो डिमांड ही डिमांड है यहाँ पे सबकी है। ओ, बिल्कुल सही, यहाँ पे दाल चावल बन के मिक्स सब्जी बन गई, अब क्या खाना है आपने? अब पनीर टिक्के की डिमांड है, स्पेशली अंकल की डिमांड है, पनीर टिक्का अंकल ने खाना है। अंकल ने कहा चलो आग यहाँ पे चल रही है तो मेरी आग लग गई पलक वर्डिंग भूल जाती है कभी क्या। ये देखो भाई साबित तंदूर आ गया यहाँ पे, पलक वहाँ पे कटिंग कर रही है अपने पनीर टिक्का की तैयारी हो रही है भाई, देख लो ऑनियंस कैप्सिकम कट रहे हैं। तो बच्चे सो गए, बच्चों को सुला के ना रिलैक्स होकर मैं थोड़ी देर, बच्चों को सुला के अब फ्री हो जाती है, जैसे पता ही नहीं है बच्चे हैं भी कि नहीं। जब तक बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं तब तक मजा आता है, जब चिड़चिड़ करने लगते हैं अच्छा होता है सो जाए वो, उनको भी शांति मिले हमें भी थोड़ी देर के लिए शांति। क्या बात है, हम आग लगाने काम कर रहे हैं जैसे हमारी रिश्तेदार करते हैं। ये क्या चक्कर है भाई, हर जगह रिश्तेदार ही ये काम करते हैं भाई, हर जगह रिश्तेदार आ रहे हैं। पलक जी ये झोल रहे कि खुद झूल रहे भाई? दोनों चीजें साथ। पलक तो खुद पूरी झूलने लग गई है। म्यूजिक भी हो जाएगा भाई, क्या बात, कितना जबरदस्त कलर आया है और इतने अच्छे कलरफुल बन गए, कहने की बात नहीं है। अभी हम अपने शीखों में लगाने जा रहे हैं और बनता है जैसे आपको ट्राई करके दिखाते हैं भाई कितना टेस्टी बना भाई। तो ये देख लो जी यहाँ पर इस तरह से शीखे लग रही है हमारी, एक एक कर कर जा रही है। ये देखिए दोनों माइके भी बैठे, तो इस धुआं देखिए कितना आ रहा है।
तो यहाँ साहिल भैया का मूड ऑफ हो गया था, बट इन्होंने जुगाड़ लगा लिया यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से जो ये बॉन फायर को हवा देने के लिए था ना, ये हो गई थी इनकी, तो ये इन्होंने ये लगा लिया। इनमें पकाने दसो। ये देख लो जी, ये हमारे यहाँ पर पनीर टिक्के बन के हो चुके हैं रेडी। ये देखो भाई जबरदस्त। तो ये देखिए एक एक करके हमारी शीखे जाती जा रही है प्लेट के अंदर, बस बन चुके हैं। और मेरे मुंह में पानी आ गया भाई, ठंडा मौसम है, भूख लगी। अब जल्दी जल्दी अंकल को बुलाया जाए, अंकल से टेस्टिंग करवाई जाए इसकी, ओपनिंग करवाई जाए। खारो खारो पापा, मैम आपका ऑर्डर लग चुका है, थैंक यू सो मच। तो जी चलिए करते हैं इसकी टेस्टिंग। गाइस जले हो गए इग्नोर करें, बाकी मसाले हैं। क्रिस्पी हो गए, कोई बात नहीं, क्रिस्पी हो गए ये, पता नहीं किधर रखे, पता तनु। चलो जी, चलो मैं कर उठा रही हूँ भी, मैं कर रही हूँ स्टार्टिंग इसकी, ठीक है, कर लूँ मैं। बड़ी देर बाद बोला क्या चक्कर है, टेस्ट देर बाद आया क्या? टेस्ट फील कर रही थी। आ, क्या तो बात है, नहीं जा रहा था, नहीं सच में टेस्ट है ना, माफ करो, नमक ठंडे मौसम में बने हैं। आंटी जी से भी टेस्ट करवाते हैं, नमक ठीक है, अच्छा बना ना, ऐसी वीडियो क्या बात है, नहीं सच में रहा ही नहीं जा रहा, पनीर में बांधे होंगे मुझे, पहले टमाटर उठाने। झूठ बोल रहे हैं। नहीं सच बोलो, झूठ नहीं चाहिए, सच चाहिए हमें। नहीं सच बोल रहे हैं, नहीं टेस्ट है ना। हाँ क्या बात है, अंकल को पसंद है। आप भी टेस्ट करो, पलक को भी दे दो जिसने इतनी मेहनत की है। पलक पलक को भूल गए जिसने इतनी मेहनत की है। लो लो पलक उठाओ उठाओ, साथ साथ में टेस्ट करो। हाँ असली टेस्ट तो ये लगा रहे हैं सब कुछ। ये देखो ये ये सही टेस्ट तो ये ले रहे हैं। आपने ही बताया कैसा टेस्ट लगा आपको? जबरदस्त मजा आया ना, बहुत टेस्टी बना। हम सब टूट पड़े और एकदम से हमने प्लेट खाली कर दी यहाँ पे, मजा है ना। असली पालक ने हमें बताया टेस्ट कैसे लगाए, इसका मजा आ गया। तो जब शिमला मिर्च प्याज बच गया, ये भी हम खत्म कर देंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे आज रात का। और यहाँ पे बंडल है, साहिल के गाने बजाने की तैयारी शुरू होने वाली है। क्या बोलू जी, ठंड लग रही है। अच्छा जी, वहाँ पे पनीर टिक्का अभी हमने खाया है भाई, अब यहाँ पे क्या बन रहा है भाई? एक और स्पेशल डिश, ठंडे ठंडे मौसम में स्पेशल डिश खाने का डिश पे डिश, आज तो डिश पे डिश ठोक रहे हो आप। आज हम सब कुछ खा के सब कुछ ट्राई करेंगे। और देखो भाई ये अच्छे से सॉटे कर लिए पनीर, और ये हमारी जो वेजीज थी इसमें मैंने क्या किया ना, थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करने के लिए हल्की सी सोया सॉस डाल दी, हल्की सी रेड चिली सॉस डाल दी, तो अब खाएंगे मजेदार। क्या बात है भाई, ये देखो एक और डिश बन गई है भाई, क्या जबर है भाई, आज तो मजे आ गए। तो पनीर टिक्का खाने के बाद अब टेस्ट करो चिली पनीर, चिली पनीर मंचूरियन, चिली पनीर, जो भी इसको आप बोलोगे। चलो टेस्टिंग करके देखो कैसे होने। वाह क्या है, लहसुन का फ्लेवर आ रहा है, मैंने लहसुन भी डाला, आप लोगों ने देखा थोड़ा सा अलग फ्लेवर आया, मैंने लहसुन भी रोस्ट करके इसमें डाला, जबरदस्त मजा आया। टिक्के बोलो ये ज्यादा टेस्टी, अलग डिश बनी है यार, ये ज्यादा टेस्टी बना, ये टेस्टी है ना। मुंह जा गया बेटा, मैं टेस्टी बना यार, मजा आ गया, टेस्टी बना। तो जी ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी है अभी यहाँ पर, मुझे लगता है 3 से 4 डिग्री हो चुका है टेम्परेचर, अभी देखना पड़ेगा। और जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है ना, उतनी ज्यादा ठंड होती जा रही है। पलक ठंड लगी तो बातें कर, जवाब दे दिया है ना। तो बस बॉनफायर के पास बैठे थे, बैठे बैठे बातें करते करते कब इतना टाइम हो गया हमें पता ही नहीं चला। तो बस अब कर रहे हैं, मेरे ख्याल से टाइम कितना हो गया, टाइम बज के 11 यहाँ पर। तो अब सोचा है कि जल्दी जल्दी डिनर करके अपने अपने बिस्तरों में जाकर सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो जी डिनर डल गया यहाँ पर, देखो जी अंकल डिनर कर रहे हैं यहाँ पर। आंटी अभी भी पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हो आंटी आप? पानी लेके जा रही हूँ गर्म करने के लिए, गर्म करने के लिए पानी। तो पलक ने आज सारी किचन संभाली, खाना सारा पलक ने बनाया और सर्विंग भी पलक ही कर रही है। तो बस बच्चे सो गए, लड्डू
को आई थिंक ठंड लग रही है, क्या वो बार बार उठ रहा है। तो चलिए गर्म डिनर बन के हो चुका है रेडी हमारा यहाँ पर। तो चलिए ये देखो जी पल्ले, मन्नत अपनी बाहर आ गई टेंट से, मन्नत मम्मा की याद आ गई, अभी मम्मा के पास आके मन्नत बैठ गई है। मुझे बहुत गर्माहट फील मन्नत के, जो थकी थी करके। क्या बात है, ये देखो हमारा खाना भाई, कितनी प्यारी दाल और देखो भाई और अपने पूरी वेजिटेबल्स सब्जी, क्या बात है मिक्स सब्जी भाई। अब हमारी मन्नत, मन्नत जी आपके दही चावल, मन्नत दाल को दही बोलती है, क्या बात है। ये देखो क्या मजे कर रही है, मजा आ रहा है गर्मा गर्म खाना खा करना। लो कैसा लग रहा है, ठंडे ठंडे मौसम में खाना खा लो। बस दोस्तों अब हमारा हो रहा है यहाँ पे पैकअप, पूरा सामान हमने किचन का रख दिया है, साग भी भुज गई है यहाँ पर, पूरा पैकअप हो गया है यहाँ पर। ये देखिए सब कुछ बंद कर दिया, किचन बंद हो गई है। तो जी ठंड है, ठंड क्या बोलूं, इतना ठंड है कहने की बात। आपकी नाक लाल हो गया, नाक लाल हो गया, बोल मैं खुद ही लाल हो गया। शुक्र करो यार ये जैकेट नहीं होती ना तो काम बड़ा मुश्किल है। ठंड लगी, ठंड इतनी कि अभी बता नहीं सकता, शिवरिंग नहीं हो रही, मजा आ गया ना, पर मजा आया, मजा आया कैंपिंग। मेरे को ज्यादा मजा आया, मेरी तो फर्स्ट फैमिली कैंपिंग थी ना, इतने बड़े मैसिव लग रहा था घर के टेंट में बैठे हुए, घर ही बना दिया, कुछ खाई नहीं है, नहीं ठंड लग रही है, बाकी तो पूरा घर लग रहा है, पूरा घर लग रहा है, दो कमरे हैं हमारे, वो बड़ा हॉल है, सही बात है, वो बाथरूम है, ये हमारा बड़ा हमारा गार्डन भाई, ये देखो पलक ठंड है, पलक तैयारी है पूरी अपनी, ठंड नहीं है, ठंड नहीं है। तो जी बस करेंगे अभी यहाँ पे पैकअप और देखते हैं सोते हैं, बच्चे ऑलरेडी सो गए हैं, बार बार बीच बीच में थोड़ा थोड़ा उठ के इरिटेट कर रहे हैं, उसके अलावा सब ठीक है। आई थिंक मेरे होंठ भी ब्लू ब्लू हो गए, इतनी ठंड हुई है यहाँ पे समय। शाम को अंकल लोगों ने भी बोला था कि लेपर्ड है यहाँ पर, पता नहीं मुझे डर लग रहा है, कोई आवाज आ रही है यहाँ पर, इधर साहिल को फोन कर दे, बाहर से बहुत ना पता नहीं खतरनाक अजीब अजीब तरीके की खतरनाक आवाजें आ रही हैं। अभी तक तो मजाक में ले रहे थे, इस चीज को पता नहीं बाहर क्या है। हाँ साहिल भाई यार, कोई टेंट के बाहर बहुत खतरनाक आवाजें आ रही है, माय गॉड यार, मैं सो रहा था पलक, अभी पलक ने उठाया मुझे, अभी कोई यार कोई जानवर लग रहा है मुझे बाहर है, अब ये नहीं पता आवाज तो ऐसे जानवर चलने की कोई आवाज आ रही है, बिल्ली जैसे नहीं है कोई, नहीं नहीं बिल्ली की बड़ी जैसी आवाज चल रही है, कोई बड़ी जैसी आवाज है भाई, अभी बाहर आओ देखते हैं यार, कोई पता नहीं, ठीक ठीक आप आओ देख क्या ना, हाँ 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 ठीक है ठीक है यार, आराम से जाना यार, चलो भाई साहिल को आने, आवाज आ रही है ना, कोई रिस्क ना हो जाए यार, मजाक मजाक में कोई बात ना बन जाए, मजाक मजाक में कोई बात ना बन जाए। भैया बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं बाहर से, खतरनाक आवाज आई है, बहुत खतरनाक आवाज, यानी पीछे से आ रही है, जैसे पीछे कोई है करके दो तीन बार आवाज आ गई है, मुझे दवाई नहीं, मैं सो रहा था, मुझे साइन दिया हुआ है, देखिए एक बार प्लीज चेक कर लो आप, अपने हथियार साथ में लाया ना, हां भाई गाइस है ये देखिए, देखो सुनो कि आवाज इस तरह से आई किस तरह, हां इस तरह से आगे से, पहले तो ऐसे टेंट के पीछे से आई फिर आगे गई आवाज, वहाँ पे कुछ है, कहाँ पे, वहाँ पे सामने देखो, सामने देखो ये रोशनी आंखों की दिख रही है, पीछे जाओ उधर कुछ है, पीछे जाओ
हम क्या कर रहे हैं? हाँ, ऐसी रोशनी देखो, आंखों की रोशनी नजर आ रही है। भाई वो एक नहीं, दो दिख रहे हैं मुझे, दो दिख रहे हैं। अब क्या करेंगे? और कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, आंखें चमक रही हैं। हाँ हाँ, ओ हाँ, दिख रही हैं, सच में दिख रही हैं आंखें। उधर वो बीच में, बीच में, बीच में आग वाली लकड़ लेके बाहर रख देते हैं, कुछ ना आग दिखा देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं। चलो 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 चलो, क्या करोगे आप भी? आ जाओ अंदर, आ जाओ यार। पता नहीं, बहुत ज्यादा रिस्की होगी आज की रात तो, समझ नहीं आ रहा।